दोस्तों आप लोग कैसे हो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बना रखा है और अभी तक आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं आए, तो आप किस तरह चेक कर सकते हो आपके ई श्रम कार्ड के पैसे आए हैं नहीं आए हैं, कि कहाँ चले गए, कहाँ होल्ड पे हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट है कि हम किस तरह जान सकते हैं हमारे ई श्रम कार्ड का पैसा आया है या नहीं आया। बहुत सारे लोग चेक करते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, पर उनको उनका जवाब नहीं मिल रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बना रखा है, अगर आप भी एक लेबर एक मजदूर हो और आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हो कि आपका पैसा आपके अकाउंट में कब आएगा, तो आज मैं आपको जो तरीका बताना उसमें आप जान सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका पैसा किधर आया है और किस तरह आपको चेक करना है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, सिर्फ अपने मोबाइल से ही आप जान सकते हो, चेक कर सकते हो। तो करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको एक वेबसाइट पे आ जाना है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप इनके वेबसाइट पे आ जाओगे। इनके वेबसाइट पे आते ही आप यहाँ देख सकते हो ई श्रम कार्ड का पैसा कैसे चेक करें मोबाइल से, जाने पूरी प्रक्रिया विस्तार से। ओके, आपको इस तरह का बहुत सारी वेबसाइट देखने मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको एक वेबसाइट पे आ जाना है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यहाँ देख सकते हो। मैं एक साइट पे आया हूँ जिसका नाम pfms.nic.in। इनके वेबसाइट पे आते ही आप यहाँ जान सकते हो गवर्नमेंट के जितने भी पैसे आते हैं सबका स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो भी पैसा आपको गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है आप पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इस पे आते आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आप यहाँ देख सकते हो आपको एक इंटरफेस दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा नो योर पेमेंट्स। आपको नो योर पेमेंट्स पे क्लिक करना है। नो योर पेमेंट्स पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ इस तरह का ऑप्शन आया जहाँ आपका बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर और आपको वेरिफिकेशन वर्ड डालना होगा, जो भी कोड आपको कैप्चा कोड दिख जाएगा। आपको सबसे पहले अपने बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। मैं अपना बैंक का नाम डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे आप यहाँ डालोगे अपने बैंक का आधा नाम, आपके बैंक का पूरा नाम आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ से सर्च कर लेना है कि आपका बैंक का नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ अपना अकाउंट नंबर पूछेगा, आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर आपको सिंपली डाल देना है। तो मैं अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, आपको सिंपली अपना अकाउंट नंबर यहाँ पुटअप कर देना है। जो भी अकाउंट में आपको पैसे आते हैं, जो भी अपन आपने अकाउंट नंबर दिया था ई श्रम कार्ड बनते वक्त, आपको वही अकाउंट नंबर डालना है, दूसरा अकाउंट नंबर नहीं डालना है। उसके बाद आपको यहाँ कोड दिखाई देगा, आपको सिंपली एक कोड डाल देना है। जो भी कोड आपको यहाँ नीचे शो कर रहा है आपको यहाँ इंटरफेस में डाल देना है। ये डालते ही आपको सिंपल सेंड ओटीपी और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपको इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है, अगर आपको यहाँ शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी तक आपको पैसा नहीं आया है और जो आपका पैसा है अभी तक होल्ड पे है, या आप जो डिटेल पुटअप कर रहे हो गलत है, आपको दूसरे बैंक का अकाउंट नंबर पुटअप करना है। तो अगर आपके दो बैंक अकाउंट नंबर है तो दूसरा अकाउंट नंबर या दूसरा बैंक का नाम डालिए और आप सबमिट पे क्लिक करिए। अगर आपके अकाउंट में या आपको कहीं से भी गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है तो डेफिनेट यहाँ आपको पता चल जाएगा और जो भी डिटेल है आपके सामने आ जाएंगे कि आपको कहाँ से कब कितना पैसा आया है, अगर आपके उस अकाउंट में पैसा रिलीज हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने ई श्रम कार्ड का पैसा चेकआउट कर सकते हो अपने मोबाइल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना।